मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में 25 सितंबर को मयंक नामक युवक का अपहरण कर दृश्य मूवी की तर्ज पर घटना को अंजाम दिया था। अब तक एक भी आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। मयंक के मोहल्ले के रहने वाले इशाक ने अपहरण कर हत्या करने का जुर्म कबूला है। टीकमगढ़ में 15 दिन पहले अपहरण किए गए युवक मयंक खरे के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। अवैध संबंध के चलते दोस्त इशाक खान ने अपने चचेरे भाई इकबाल के साथ मिलकर गोली मारने के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी थी। शव को धसान नदी में फेंक कर साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया था। धसान नदी में पानी का बहाव तेज होने से शव का सुराग पुलिस को अब तक नहीं लगा। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 25,000 रुपये इनाम घोषित किया था। पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों सहित 11 लोगों पर हत्या के इरादे से अपहरण करने और साक्ष्य छुपाने का मामला दर्ज किया। हत्या में उपयोग किए गए 12 बोर की बंदूक सहित 7 जिंदा 3 कारतूस जब्त किए। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। उसी के बारे में डीआईजी साहब आपसे चर्चा करेंगे कि क्या प्रकरण था, क्या घटनाक्रम था और उसमें किस तरीके से पुलिस ने इसमें अपनी कार्रवाई को अंजाम दी। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है 25 सितंबर से मयंक खरे नाम का एक युवक टच की गई और मयंक के विषय में तमाम जानकारियाँ करने के बाद कोई उसका ना पता लग रहा था ना उसका मोबाइल चालू था, यानी किसी भी प्रकार से कोई प्रागदर्शी नहीं हो पा रही थी और पुलिस जो थी अंधेरे में सुई खुद लेती ऐसा काम कर रही थी। लेकिन लगातार टीकमगढ़ पुलिस इसकी जांच के निर्देश धीरे धीरे सुराग होने चाहिए। बाद में यह पता लगा कि वो ईसाक नाम के एक व्यक्ति के साथ देखा गया और उसको डेवलप किया गया तो ये जानकारी लगने लगी कि शायद मैं को मार दिया गया है और अब चिंता नहीं है। ये जानकारी जब हमको लगी तो थोड़ा सा हम लोगों ने उसको अच्छा दृष्टि से गोपनीय रखा, चीज को आरोपियों को ढूंढने के प्रयास। पहले इसाक हमको पकड़ में आया, इसाक से जब पूछताछ की गई तो इसाक ने कबूल किया। उसके बाद इसाक ने अपने एक रिश्ते में चचेरे भाई इकबाल के साथ इकबाल को भी ढूंढा गया। इकबाल भी हमको इसाक से मिलने के लिए इकबाल को पकड़ने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। जब ये सब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने मयंक को 25 तारीख को पार्टी के बहाने ले जाने ले गए थे और ले जाके इस दौरान किसान ने अपनी बंदूक भी अपने साथ रखी थी बार बार और पहले बोले कि मेरे को फायर करने की इच्छा हो गई है, पहले फायर उनसे कराया मयंक खरे से और बाद में बोला कि अब मैं तुम्हें बात नहीं है मैं बात नहीं और उसमें अपनी कार में इधर टैक्सी ड्राइवर उसके बाद इंडिका विस्टा गाड़ी थी उसी गाड़ी में इसाक ने मैं के कंधे लेकिन तब तक वो उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। फिर एक बंद बनारा गाँव में पहुंचे, बनारा गाँव में ये एक बार रास्ता रहता था। एक बार के पास जब इसाक पहुँचा तो बताया कि इसाक खड़ा हो गया और ये सब मेरे साथ में एक बार और इसाक दोनों का निकाले को लेकर आगे चले और रास्ते में इसका खड़ा मारने के बाद में उसी रात उन्होंने एक सफेद चादर में उसको लपेट कर हजार लग जो बलौली के पास हजार लग के लपेट है। 25 तारीख को आपको याद होगी बहुत तेज बारिश हो रही थी, नदी का बहाव बहुत तेज था, बाल बेचारा के गेट खुले हुए थे तो उस ब्रिज से ब्रिज से लाश को बाहर लाश 10 दिन तक पुलिस लाश को प्रयास करते थे
लगभग 100 लोगों से अधिक मदद भी लाश को मिलेगा, किंतु अभी लाश नहीं मिल सकती है। शव को ढूंढने का प्रयास आगे भी हमारा चाहिए। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में हिसार और इकबाल के अलावा 9 आरोपी कुल मिलाकर गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने इस लाश को छुपाने में, लाश को नष्ट करने में, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में और उन तथ्यों को छुपाने में जिन तथ्यों को देना उनके लिए बंधनकारी है। अपराध की यदि सूचना है, अपराध को पुलिस को बताना बंधनकारी होता है, नागरिकों के लिए छुपाने में मदद की है। इसमें घटनाकारी करने के बाद पुराना गांव में एक पन्नालाल चतुर्वेदी के यहाँ पहुंचे। पन्नालाल चतुर्वेदी ने पन्नालाल चतुर्वेदी ने हथियार छुपाए, कारतूस छुपाए, अपने पास की नया रुपये दिए, मोटरसाइकिल से छुपाने में मदद भी की, तो पन्नालाल को भी इसमें साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में और आरोपियों को प्रश्रय देने के आरोप में मुख्य किया। कुल मिलाकर 9 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम है इसाक पिता रहमान खान, इकबाल पिता नूर खान, पन्नालाल चतुर्वेदी कैदी कलाकर, मजीद पिता जहाँ खान, रहीम पिता जहाँ खान, सईद पिता जहाँ खान कैदी का है, सब कैदी के हैं, फातिमा पति रहमान खान, ये फातिमा इंसान की बहन है, नौगांव रहती है। घटना कार्य करने के बाद सबसे पहले इंसान उसके पहुंचा रहमान पिता मनिबक्स, ये फातिमा का पति है, आबिद पिता रहमान खान, ये गुड़गांव का है, आरोपी गुड़गांव भी पहुंचे थे, गुड़गांव में ये आबिद ने उनको शेल्टर दिया था और उनकी नौकरियों की लगाने की कोशिश की, और 10वां है बंदूक पिता रहमान वाहिद, वाहिद पिता रहमान का, इस प्रकार दो और लोग ज्यादा किए गए हैं। इस प्रकरण में बहुत मेहनत करना पड़ी, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होते हैं, जो मोबाइल वगैरह किसी से मिलती है, वो घटना कार्य करने के बाद ऐसा अपना मोबाइल अपने घर पर छोड़ दिया, अपनी पत्नी के मोबाइल से डाल दी और जैसे ही सिम चालू हुई, जैसे ही वो सिम तो मोबाइल मतलब यूज ही नहीं, जैसे ही एक हमारे आरक्षक का नाम आरक्षक अरविंद ने इसमें बहुत भूमिका निभाई है, हमारे DSP योगेंद्र कुशवाहा, योगेंद्र सिंह भदौरिया, जय कुशवाहा, अनिल शिजवा साहब के अलावा थाना प्रभारी जितारा आनंद परिहार, थाना प्रभारी प्रमोदी कला वीरेंद्र और थाना प्रभारी रिधौरा, थाना चुमिडिया, थाना उप निरीक्षक सतीश हरीश, उप निरीक्षक मंजू सिंह, उप निरीक्षक अनुजा सिंह और उप निरीक्षक रघुराज सिंह, इन अधिकारियों ने बड़ी सक्रिय भूमिका इसमें निभाई है। ये वास्तव में संबंधित घटना था, इससे कुछ राजनीतिक लोग अपनी कमियों बोलियाँ भी खेल रहे थे, और मैं प्रकरण का सभाग्रस्त होने के लिए टीकन बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।